बहनों, हम सब एक टीम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होता है और हम सभी पदाधिकारी को सौभाग्य है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक अंग है, महिला मोर्चा की पदाधिकारी है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम है और उसका एक अंग महिला मोर्चा है, तो हम टीम भावना से काम करेंगे। आप देखी होंगी जब किसी टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो टीम की विजय होती है, अगर एक भी खिलाड़ी उसमें सफल नहीं होते तो टीम की विजय नहीं होती। तो मैं आप सभी बहनों से आग्रह करना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त स्तंभ हो, आगे आबादी हो, नारी शक्ति हो। आप सभी टीम भावना से भारतीय जनता महिला मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला जो चुनाव है 2025 और 2024 इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बहनों, ये आप लोगों के तरफ से मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भाई साहब, आने वाले जो 25 का चुनाव है, हम सभी पहले दुर्गा चंडी और लक्ष्मी के रूप में काम करेंगे और 40 का 40 जीत करके देंगे और हम केंद्र में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाएंगे। उसके बाद 25 में जो ये चारा दलित प्रणाली की सरकार है, नीतीश जो तेजस्वी जी को कोई भी नारी शक्ति उसको पसंद नहीं कर रही, वो सदन में महिलाओं का जिस तरह से अपमान किया, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि बिहार के सम्राट आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी, ये हम महिलाओं ने संकल्प लिया है। अध्यक्ष जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी आप सबों का दिशा निर्देश हम बहनों को मिलता रहे। हम लोग संगठन के प्रति ओतप्रोत हैं और ईमानदारी और निष्ठा से संगठन का काम करेंगे और अपनी पार्टी को देश में सबसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने बिहार को सबसे आगे ले जाने का काम करेंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं अपने पदाधिकारी बहनों से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई मायने नहीं होता, पद तो कुछ दिनों के लिए होता है, कल हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं। इसीलिए अगर जिन बहनों को आकांक्षा होगी कि मुझे बड़ा पद मिलना था, मुझे बड़ा जिम्मेवारी मिलना था, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और एक कार्यकर्ता जो काम करता है वो दूसरा नहीं कर सकता, इसीलिए एक कार्यकर्ता के रूप में सब को मिल करके महिला मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम कर